हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस्फी टेक। गाइस, एक कॉमन एरर यहां पर देखने को मिल रहा है एचपी के लैपटॉप्स में, उसका ट्रबल शूटिंग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास यहां पर मैसेज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे कि सर हमारे सिस्टम में ये एरर आ रहा है और हम इस एरर को कैसे दूर करें। इस एरर में क्या होता है, जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही आपकी विंडोज वगैरह कुछ लोड नहीं होती, आपके सामने ये एरर आता है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ब्रैकेट में 3F0, ये एरर लिखा रहता है। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका एक छोटा सा तरीका मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो एक बेसिक तरीका है, मोस्ट प्रोबेबली उसी वजह से आपके सिस्टम में ये एरर आता है। लेकिन अगर वो तरीका भी वर्क नहीं करता है तो हमें अदर ट्रबल शूटिंग फॉलो करनी पड़ती है, जिस पर मैं और भी वीडियोज बना रहा हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे फ्रेंड का मेरे पास आया था, क्योंकि उसके पास ये प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने इसको रिजोल्व किया और फिर वो अपने लैपटॉप को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सेक्शन मैंने इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकती है बायोस की वजह से। कई बार बायोस क्या होता है, ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की जो बायोस सेटिंग है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है, सबसे पहला चेंज क्या होता है कि आपके जो बूट डिवाइसेस हैं उनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं या फिर कोई और सेटिंग में यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें लुकआउट करना चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई हार्ड डिस्क एरर भी आपके सिस्टम में हो सकता है, यानी कि अगर आपके हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो करप्ट हो गया है, तब आपका सिस्टम हार्ड डिस्क को बूट नहीं कर पाता और तब भी ये एरर देखने को मिलता है। तीसरे नंबर की अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो कई बार आपका जो बायोस है, बायोस फर्मवेयर है आपके सिस्टम का, वो भी करप्ट हो जाता है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है एचपी के लैपटॉप्स में देखने को मिलती है, अगर अदर लैपटॉप्स में मिलती है तो उसमें भी लगभग यही सेम प्रोसेस रहेगा, बस बायोस जो रिकवर करने का प्रोसेस है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि जो अदर लैपटॉप्स हैं उनमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर जो मेनली हम यहाँ पे एचपी के लैपटॉप पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट डिवाइस नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा आ रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है F2, आप दबाएंगे तो सिस्टम डायग्नोस्टिक आपका ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यही परफॉर्म करना है, ये चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है उसमें तो कोई एरर नहीं है। अगर आप ये एश्योर हो जाते हैं कि भाई मेरी हार्ड डिस्क ओके है तो वो आप सिस्टम डायग्नोस्टिक चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपने सिस्टम से F2 दबा देते हैं और सिस्टम डायग्नोस रन कर लेते हैं। सिस्टम डायग्नोस में हमने F2 को दबाया तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन आए, मेमोरी टेस्ट, हार्ड ड्राइव चेक और लैंग्वेज और एग्जिट। और यहाँ पे हमारा एम है हम हार्ड ड्राइव को चेक करें, तो हम हार्ड ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर बटन हम प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आए मेरे पास, क्विक चेक और एक्सटेंसिव चेक, तो हमने क्विक चेक यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। हमें जस्ट ये चेक करना है कि भाई हार्ड ड्राइव में कोई एरर तो नहीं है, यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक प्लेट्स वगैरह हैं वो सब तो ओके हैं, क्योंकि कई बार एरर हार्ड डिस्क की वजह से भी होता है। तो आप इस प्रोसेस को सबसे पहले रन करेंगे अगर आपके सामने ये सेम इशू आ रहा है, ये प्रोसेस आपका 100% तक रन होगा, ठीक है। अगर ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है, हार्ड ड्राइव इशू आपको शो करता है, दैट मीन कि आपकी हार्ड ड्राइव में ही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रोग्रेस आपकी 100% हो जाती है और आपके हार्ड ड्राइव में कोई एरर आपको शो नहीं होता है, दैट मीन कि हम ट्रबल शूटिंग की तरफ आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बीच में रुक जाता है और हार्ड ड्राइव एरर शो करता है, तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि अपने लैपटॉप को ओपन करके हार्ड ड्राइव के जो कनेक्शन है उनको चेक करें, क्योंकि कनेक्शन की वजह से भी आपको ये एरर आ जाता है, ठीक है। या फिर आपको हार्ड ड्राइव टेस्ट करानी पड़ेगी कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें हो सकती हैं अगर यहाँ पे आपको एरर शो कर देता है। अगर ये टेस्ट यहाँ पे पास कर लेती है आपकी हार्ड डिस्क, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रोग्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार हो रही है, चलते हैं आगे। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये मैंने वीडियो तभी रिकॉर्ड कर लिया था जब अपने फ्रेंड का जो सिस्टम है मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग ड्राइव 1 स्मार्ट चेक पास और शॉर्ट DST जो भी यहाँ पे लिखा रहा है वो पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम एंटर बटन दबाएंगे और यस करेंगे तो हमारा सिस्टम यहाँ पे यस करेंगे तो हम यहाँ पे वापस से उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहां पर पहले थे, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क ओके है, लेकिन अब हमें इस एरर को दूर करना है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हमने प्रोसेस किया F2 को दबा के या फिर जो भी किया आपको यहाँ पे शो करता है उसको दबा के, वो इसलिए है कि सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क चेक करें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब सपोज कि आपकी हार्ड डिस्क को एकदम ओके है,
अब हमें क्या करना है, अब अपने सिस्टम को ऑफ करना है, पावर बटन दबाएंगे, अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद हम अपने सिस्टम से दबाएंगे एस्केप की, ठीक है, क्योंकि हमें बूट ऑप्शंस में जाना है, बूट सेटअप में जाना है, ठीक है। एस्केप की दबाए रखेंगे और पावर बटन को ऑन करेंगे, यानी कि जब भी आप पावर बटन दबाएंगे तो एस्केप की आपको दबाना है, जिससे कि बूट ऑप्शंस आपके सामने आए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आ गई कि ऑन होते ही आपके पास जो हार्ड डिस्क एरर है वो शो हो रहा है, लेकिन विद इन 2 or 3 or 5 seconds आपको स्टार्टअप मेन्यू यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F1, F2, F9, F10, F11 काफी सारे यहाँ पे आपके पास फंक्शन की आ रही है। यहाँ पर आपको चूज करनी है बायोस सेटअप के लिए जो की आपको दी हुई है, ठीक है। मेरे सिस्टम में यहाँ पे F10 दी हुई है, आपके सिस्टम में जो दे रखी हो आपको वो दबाना है अपने सिस्टम से। F10 मैंने दबा दिया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ बूट मैनेजर यानी कि बूट सेटअप में। ओके, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बूट ऑप्शन मेन्यू में यहां पे मेरे पास फिर से लिखा रहा है प्रेस F10 टू बायोस सेटअप ऑप्शन, तो मैं फिर से F10 यहां पे दबाता हूं, ठीक है। और F10 दबाने के बाद मैं यहां पर आ गया हूं अपने बायोस सेटअप यूटिलिटी में, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, ऊपर आप टैब्स देख रहे हैं, मेन सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फिगरेशन, आप जाएंगे सिस्टम कॉन्फिगरेशन में। सिस्टम कॉन्फिगरेशन में यहां पर आपको जाना है बूट ऑप्शंस में, ठीक है, बूट ऑप्शंस में जाएंगे। अब आपको सबसे पहले यहां पर चेक करना है अपना UEFI बूट ऑर्डर और लेगेसी बूट ऑर्डर आपको चेक करना है। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा UEFI बूट ऑर्डर अनेबल्ड है, दैट मीन कि यहां पर जो हम ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं वो UEFI बूट ऑर्डर के हैं, और यहां पे जो ऊपर आप देख रहे हैं लीगेसी सपोर्ट, ये हमारा डिसेबल्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर इस सेटिंग में कुछ नहीं करना है हमारा, आप देख सकते हैं नीचे लीगेसी बूट ऑर्डर यहां पे डिसेबल्ड आ रहा है, इसलिए हम यहां पे कुछ कर नहीं पा रहे, हम इस लीगेसी सपोर्ट को जस्ट अनेबल कर देंगे। और तो अगर आपका लीगेसी सपोर्ट यहां पे डिसेबल शो होता है तो आपको जस्ट इसको अनेबल करना है। अनेबल कैसे करना है, जस्ट आप इस पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अनेबल डिसेबल का, और आप अनेबल पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, चेंजिंग दिस सेटिंग मेक द सिस्टम अनेबल टू बूट द ओएस, डू यू वांट टू मेक दिस चेंज। बूट तो हमारा वैसे ही नहीं हो रहा, हमें बूट कराना है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लीगेसी बूट ऑर्डर भी हमारा अनेबल हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि नोटबुक हार्ड ड्राइव आपकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप इसको सेव करेंगे, यानी कि आपके पास नीचे बटन जो आ रहा है F10 दबाएंगे, सेव एंड एग्जिट करेंगे, आप इस तरीके से यस दबाएंगे, सेव एज एग्जिट किया हमने, तो ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप यहाँ पे स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं विंडो आइकन आ गया है, अब हम यहाँ पे बूट कर पा रहे हैं। तो ये छोटा सा आपको यहाँ पर सेटिंग में चेंज करना है। कई बार किसी वायरस की वजह से या फिर सेटिंग्स की वजह से हमारे सिस्टम में जो बायोस की जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जब हमने इस सेटिंग को परफॉर्म किया तो हमारा सिस्टम यहाँ पे रन कर गया। इसके पीछे और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, यहां पर अगर आपका ये सिस्टम रन नहीं करता या फिर आपके पास कोई और एरर आता है तो हम यहाँ पे दूसरी ट्रबल शूटिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम बायोस रिकवर करते हैं। उसका वीडियो मैं अभी एडिट करूंगा, क्योंकि वो मैंने शूट कर लिया है, वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आएगा, तो उसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम आती है तब भी वो वीडियो आपके काम आएगा। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इस एरर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मोस्टली वीडियो मैं आपके लिए बनाई दूंगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टा पर, या फिर आप मुझे FB पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।